सीकर जिले के खाटूश्याम में फागुन मास में लगने वाले लक्खी मेले के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ सूरत के एक शाम भक्त व्यवसायी ने 4 मार्च से धरना देने की चेतावनी दी है। व्यवसायी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने यदि 4 दिन में उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अनशन का भी सहारा लेंगे। जिले के चौमू नगर स्थित चौमू पैलेस होटल में प्रेस वार्ता के दौरान सूरत के श्याम भक्त व्यवसायी सुधीर गोयल ने कहा कि खाटू श्याम बाबा का मेला करीब 350 सालों से लगता आ रहा है, लेकिन अब की बार राज्य सरकार ने श्याम भक्त श्रद्धालुओं के सामने बाबा श्याम के दर्शन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया लागू कर दी है। इस प्रक्रिया से गरीब भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकता, केवल अमीर व्यक्ति ही बाबा श्याम के दर्शन कर सकता है। ऐसा है कि आज श्याम जी का मेला तो लग रहा है, मेला लग रहा है, लेकिन भैया उसमें कितनी गाइडलाइंस डाली है? ठीक है, आज ये गाइडलाइंस जो भी डाली है, चलो मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, मैं हर धर्म से प्यार करता हूँ, मेरे लिए हर धर्म के सब लोग मेरे भाई बहन हैं। आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध ये है कि लोग, काफ़ी लोग ये बोलते हैं इस धर्म के लिए ये किया, उस धर्म के लिए ये किया, मैं उस चीज़ में नहीं जा रहा है, मैं चाहता हूँ सब धर्म के लिए सब चीज़ हो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का जो करीबन 350 साल से श्याम बाबा मंदिर का जो फागुन मेला भरता है उसके अंदर उन्होंने परमिशन तो दी है, लेकिन उसमें गाइडलाइंस में कितना सब कुछ जंजाल डाला है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप पूछोगे क्या पॉसिबल नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने बोला कोरोना टेस्ट कंपलसरी, आज ये पॉसिबल है इतनी पब्लिक का कोरोना टेस्ट? अब वैक्सीन आ गई, आप वैक्सीन लगा के दो ना, जितने भक्त आ रहे हैं उन सबको आप दर्शन कराओ, सबको वैक्सीन लगाओ। अगर गहलोत सरकार के पास वैक्सीन का पैसा नहीं है तो हमारी केंद्र सरकार पैसा देगी? अगर केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी फंड नहीं है तो हमारे गुजरात में सूरत के अंदर दानदाताओं की कमी नहीं है। आप हमें बोलिए आपको कितना फंड चाहिए, हम आपको फंड पूरा कलेक्ट करके देंगे, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, हम सूरत के दानदाताओं में कोई कमी नहीं है। आप धरना देने की बात कर रहे थे? हाँ, मैं चार मार्च से धरना दे रहा हूँ, अगर हमारी कोई भी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लास्ट तक लड़ेंगे, हम चाहे अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम बाबा श्याम का मेला हर साल की तरह लगा के रहेंगे। जब आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, अभी हमारे सूरत में इलेक्शन के अंदर कितने लाखों लोग पब्लिक भीड़ हो रही है, तो वहाँ कोई कोरोना नहीं है, किसी का मास्क भी नहीं है, किसी का भी मास्क नहीं है वहाँ पे, और वहाँ कोई फाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे वो काम पड़ता है वैसे। दूसरे दिन अभी सूरत में अगर किसी व्यापारी को आना है तो कोरोना वो सर्टिफिकेट लाना है, तो हर चीज़ एक बिजनेसमैन के ऊपर ही है। मांग क्या रखी है आपने, मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग तो ये है कि एक तो ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अच्छा है चलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आज के दिन के अंदर जितनी पब्लिक है उतनी खाटू श्याम पहुँचे, एक्स्ट्रा पब्लिक नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने उसमें रखा 35,000 पब्लिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन वहाँ लोग तो लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं और जिनके पास पैसे हैं वो दर्शन कर रहे हैं, मेरे गरीब लोग कैसे दर्शन करेंगे? आज मेरे गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि आप पैसे वाले को तो सबके दर्शन हो रहे हैं वहाँ पे। और सेकेंड मांग ये है कि रास्ते के अंदर आज खाटू श्याम मंदिर में 2,000 किलोमीटर से लोग पैदल भी आते हैं, और रिंगस से तो सभी पैदल जाते हैं क्योंकि साधन ही नहीं रहता, गाड़ी वाड़ी सब बंद रहती है, छोटे छोटे बच्चे, मेरा छोटा बच्चा भी जाता है, 7 साल का मेरा बच्चा भी जाता है, तो आज उन लोगों को रास्ते में पानी, मेडिकल, खाना, ये सब सुविधा कौन, गहलोत सरकार दे रही है क्या? अगर गहलोत सरकार वहाँ पे 10-20 जगह अपने कैंप लगा रही है खाना, मेडिकल और पानी की, तो हमको जरूरत नहीं है भंडारे की, लेकिन अगर गहलोत सरकार ये सब नहीं दे रही है तो रजिस्टर भंडारे को परमिशन देनी चाहिए। और सेकंड बात, इन लोगों ने साउंड बंद किया है, साउंड से कोरोना का क्या रिलेशन है? फर्स्ट साउंड से कोरोना, आज इनके चुनाव होते हैं, अभी एक महीने पहले राजस्थान सरकार के चुनाव हुए थे, तब इन लोगों के कहाँ गई थी, मैं आपको वीडियो दिखाऊँ राजस्थान चुनाव के, दुनिया भर के साउंड बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम जनता पार्टी हो। आपका आरोप ये है कि इनके लिए कोई कोरोना नहीं है और श्रद्धालुओं के लिए कोरोना? पार्टी के लिए कोई कानून नहीं है, सब एक है इसमें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम जनता पार्टी हो, लेकिन ये भी सच्ची बात है कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को टारगेट करती है, और मैं एक हिंदू हूँ और हिंदुत्व के धर्म की रक्षा करना मेरा फर्ज है, बाकी मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ, और मैं फागुन मेले के अंदर जब भी बाबा के दर्शन करता हूँ 7 दिन या सेवा देता हूँ, उसके बाद मैं अजमेर दरगाह में चादर चढ़ा के भी हर साल जाता हूँ। कितने वर्ष से लगातार आ रहे हैं खाटू श्याम? मैं खाटू श्याम जी लगभग 20 साल तो मेरे सूरत गए हो गए, तब से तो आ ही रहा हूँ, उसके पहले लगभग मैं 11 साल की उम्र से मैं खाटू श्याम जी आ रहा हूँ। इस बार आपको एक ऐसा मिला कि इस बार कोरोना का टेस्ट भी कराना पड़ेगा, तमाम व्यवस्थाएं अलग सा वातावरण नहीं, लेकिन ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे बाबा के मेले में कोरोना कहाँ से आ जाता है?
जब आप लोगों की अभी एक महीने पहले अभी गुजरात में 5 दिन पहले चुनाव 6 दिन पहले चुनाव सब कंप्लीट हुए तब वहाँ सब पब्लिक भीड़ सब कुछ ऐसे कैसे है तो कहें मेरे बाबा के मेले में इनको कोरोना लग रहा है बाकी और कहीं कोरोना नहीं। आप सेफ्टी बोलो मास्क लगा के आओ ये लगा के आओ ये आपके पास तो वैक्सीन आ गई और वैक्सीन का पैसा भी आप लोगों के पास नहीं तो हम फंड इकट्ठा करके दे रहे हैं लेकिन मेरा बाबा का मेला तो हर साल की तरह लगेगा। हम शांतिपूर्वक 4 दिन धरना देंगे अगर 4 दिन में धरना हमारा सरकार नहीं सुनती है तो हम अनशन चालू करेंगे फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हिंदुओं का उग्र रूप देखने को मिलेगा राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को। हिंदू अपनी ताकत इस बार दिखा के रहेंगे हर बार हिंदुओं को ऐसा समझा जाता है लेकिन इस बार हिंदुओं का उग्र रूप देखने को मिलेगा कहना है वो तो इन्होंने बता दिया। अब मेरी सरकार से ये डिमांड है ये कहना है कि इस धरने के अंदर मुझे मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चों को अगर इतना सा भी कुछ होता है मतलब होना ही नहीं चाहिए वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। धरने में कितने लोग बैठेंगे? धरने में बैठेंगे हम हमारे साथ कारवा जुड़ता जाएगा श्याम भक्त जो है वो आते जाएंगे अपने आप आएंगे हम सिर्फ अकेले बैठेंगे हमारे बाबा के साथ सिर्फ हम अपने परिवार के साथ बैठेंगे मैं मेरे पति मेरे दोनों बच्चे बाबा का साथ है हमको बस।